आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी का शीर्षक है अरेंज्ड मैरिज। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आखिरकार केदार जी को अपनी बेटी आरती के लिए एक योग्य वर मिल ही गया। इस रिश्ते से तकरीबन सभी लोग बेहद खुश थे क्योंकि लड़के की सरकारी नौकरी, पढ़ा लिखा परिवार, यूं कहें तो एक आदर्श परिवार मिला था। अब वक्त था आरती की विदाई का। सभी घर वालों के चेहरों पर खुशी के साथ साथ आरती से बिछड़ने का गम भी झलक रहा था। आखिरकार आरती विदा होकर अपने ससुराल पहुंची, जहां उसका स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। सभी रस्मों रिवाजों को पूरा करते करते अब सूरज ढल चुका था और अब वक्त था उस पल का जिसका इंतजार हर किसी को होता है। जब आरती अपने उनका इंतजार कर रही थी कि अचानक से आरती को उस कमरे में मिट्टी के तेल की बहुत तेज गंध आई। लगातार गंध आने की वजह से आरती के सर में बहुत जोर से दर्द होने लगा। इसी बीच आरती के पति भी कमरे में दाखिल हुए। उन्हें भी कमरे के अंदर वही गंध आई। गंध आते ही वो एकदम से बोल पड़े, अरे ये गंध कहाँ से आ रही है? तभी उनकी नजर आरती पर पड़ी, जो गंध से बेचैन हो रही थी। आरती को परेशान देखकर दिवाकर आरती को उस कमरे से बाहर ले आता है। अब तक आरती की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी, जिस वजह से उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अगले ही दिन देर रात दिवाकर और आरती अपने कमरे में थे। अब आरती और दिवाकर एक दूसरे के करीब आए ही थे कि वो गंध फिर से आनी शुरू हो गई। फिर से अचानक आई इस गंध की वजह से दिवाकर इधर उधर देखने लगा कि तभी आरती एकदम से चीख उठी। जब दिवाकर ने आरती की ओर देखा तो उसने पाया कि आरती के हाथ पांव और उसका चेहरा झुलसा हुआ है। आरती की ऐसी हालत देखकर दिवाकर बहुत ही डर गया। वो चीखते हुए अपने कमरे से बाहर निकला और फिर जब दिवाकर अपने घर वालों के साथ वापस उस कमरे में लौटा तो उसने पाया कि आरती बेहोश पड़ी है। मिट्टी के तेल की गंध और आरती का झुलसा हुआ चेहरा किसी घटना की ओर इशारा कर रहा था और दिवाकर को कहीं ना कहीं एहसास था कि जो कुछ भी आरती के साथ जो हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है। उसी रात जब सब लोग सो रहे थे तो दिवाकर ने मिट्टी का तेल लाकर आरती के ऊपर उड़ेल दिया। अब दिवाकर आरती को जलाने वाला ही था कि आरती एकदम से उड़ जाती है और वो दिवाकर की गर्दन पकड़ लेती है और एक अजीब सी आवाज में कहती है, आज मैं नहीं बल्कि तू जलेगा। इसी बीच दिवाकर की चीख सुनकर उसके घर वाले उसके कमरे में आ गए, जिन्होंने पाया कि आरती दिवाकर को गर्दन पकड़े ऊपर उठाए हुए है और दिवाकर दर्द से छटपटा रहा है। दिवाकर को छटपटाते देख उसकी माँ आरती से कहने लगी कि तुम कौन हो और इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब जाकर आरती ने कहा, क्यों पहचाना नहीं? मैं सुलेखा, अब याद आया? ये सुनते ही दिवाकर की माँ और बाप के पैरों तले जमीन खिसक गई और कहने लगे, तू तो जल के मर गई थी। तभी सुलेखा ने कहा, मैं मरी नहीं बल्कि मुझे मारा गया था, पूछो अपने बेटे से। तभी दिवाकर ने डरते डरते बताया कि हाँ मैंने ही सुलेखा को मारा था क्योंकि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की मगर वो जिद पर अड़ी थी कि वो मुझसे ही शादी करेगी। इस बीच में बहुत घबरा गया था और मैंने इसे जलाकर मार दिया। जैसे ही दिवाकर ने अपनी करतूतें कबूल की कि दिवाकर एकदम से नीचे गिर गया और आरती भी नॉर्मल हो गई। दिवाकर को देखने के बाद पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। तो दोस्तों आरती के पिताजी ने दिवाकर की अच्छी हैसियत को देखकर आरती को उसके साथ ब्याह दिया, ये जाने बिना कि उस आदमी का चरित्र कैसा है जिसकी वजह से आरती की जिंदगी बर्बाद हो गई। अक्सर हमारे समाज में यही तो चलता आ रहा है कि हम लोगों की हैसियत पर जाते हैं ना कि उसके चरित्र पर। खैर आपकी राय क्या है यह आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।